पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण वैभव शर्मा के निर्देशन में पेंडिंग प्रकरण में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के क्रम में सहायक पुलिस अधीक्षक व्रत ब्यावर मनीष कुमार को प्राप्त सूचना के आधार पर सिटी थाना ब्यावर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए देशी कट्टा हथियार सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस टीम ने आरोपी के कब्जे से देशी कट्टा भी जब्त किया है। मुखबिर की सूचना पर सिटी थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल गोपीराम सहित टीम सदस्यों ने शहर के छावनी फाटक बाहर पहुंचे तो वहां पर खड़ा एक युवक ने भागने का असफल प्रयास किया। इस पर पुलिस कर्मियों ने उसे दबोच लिया। पूछताछ के युवक की पहचान अम्बेडकर नगर चर्च के पास निवासी अरविंद उर्फ लड्डू पुत्र उम्मीद वाल्मीकि के रूप में हुई। पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा ली गई तलाशी में युवक के कब्जे से एक देशी कट्टा भी बरामद किया। पुलिस युवक को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर थाने ले आई। मालूम हो कि आरोपी युवक सिटी थाने में पूर्व में दर्ज एक प्रकरण में वांछित है। कार्यवाही टीम में हेड कांस्टेबल जितेंद्र सिंह, शेर सिंह, गोपीराम, कांस्टेबल भगवान सिंह, भवानी सिंह व मोहित सिंह आदि शामिल रहे।